हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दो मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, और दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा GTL लिमिटेड। इन दोनों स्टॉक में अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप पे हाल ही के जो टॉप बनाए थे उस टॉप लिमिट पे बाइंग है, या फिर कुछ लोग अच्छे खासे इनमें गिरावट हो चुके हैं एक मंथ में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इतनी गिरावट में आप लोगों को ऐसा लग रहा है दोबारा से ये स्टॉक अप जा सकता है, तो उस हिसाब से आप बाय करने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ बाय करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा इन स्टॉक में एक्चुअली करना क्या है। तो चलते हम शुरुआत करते हैं रिलायंस कैपिटल से। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में 5 दिन में स्टॉक ने लगभग 16% से ज़्यादा के गिरावट दिखा चुके हैं। मतलब ये जो स्टॉक है, आप लोगों को पता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलने वाले स्टॉक है। दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कुछ दिन पहले जो एक न्यूज़ आए थे, जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो कंपनी है उनको खरीदने के लिए लगभग 15 से ज़्यादा कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और उनमें से कुछ फेमस कंपनी थे अदानी प्रेमल एंटरप्राइज, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। तो उनमें एक अच्छे खासे बूम आए जो लगभग 30% से ज़्यादा के रिटर्न, और ये जो रिटर्न है किनको मिला, ये अपर से जो ऑपरेटर है उनको मिला। और ऑलरेडी मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे ऑपरेटर इन लोगों को फंसाया जाता है, मतलब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको कैसे फंसाया जाता है, एकदम लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा तो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जितने उन्होंने रैली दिखाए वो सारे के सारे जो मलाई होते हैं वो ऑपरेटर के हाथ में चले गए, और फंस कौन गए, रिटेल इन्वेस्टर। ये तो दोस्तों हो गया हमारे एक मंथ की, और 6 मंथ वालों को भी सेम चीज़ है। जो लोग अपर सर्किट में एकदम टॉप पे बाय करने की कोशिश करेंगे और सस्ते स्टॉक के पीछे भागेंगे, उनको एक टाइम ना एक टाइम महंगे ज़रूर पड़ेगा। तो आप देख पाएंगे लगभग 40% के आसपास की गिरावट है। अगर आप इसकी 5 साल की ग्राफ देखोगे, तो 5 साल वालों को आप देख ही पा रहे हो लगभग मतलब जीरो हो चुका है स्टॉक, 98% डाउन, मतलब जीरो ही है स्टॉक। लेकिन इन स्टॉक में मैं आपको अभी भी बता दूँ, दोबारा से इनमें बाइंग ज़रूर आएगा और फिर से एक अपर सर्किट में ये ट्रेड करेगा, बट ये कब करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आप ज़रूर देख लेना, दोबारा से एक न्यूज़ आएगा पॉजिटिव ज़रूर आएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से लगभग दो तीन गुना पैसे ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब 10 रुपये के स्टॉक 30 रुपये तक जा चुके थे। फिर यहाँ पे मलाई पंखा है, जो ऑपरेटर है उनको मिला, फंसे कौन, रिटेल इन्वेस्टर। सेम चीज़ थोड़े दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा से एक न्यूज़ आया, फिर फंसे कौन, रिटेल इन्वेस्टर। मैं बता चुका हूँ बार बार दोस्तों, तो आप लोगों को ये मैं अलर्ट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि दोबारा से अगर स्टॉक में एक सडनली तेज़ी आए या फिर अपर सर्किट लगे, तो जिनके पास है इन लेवल पे, तो वो तो उनको तो होल्ड करने हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। तो आपको ऐसे होल्ड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा इनमें अपर सर्किट लग सकता है, 10 रुपये से ये स्टॉक दोबारा कम बैक कर सकता है, 10 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। तो जैसे अपर सर्किट लगे आप लोगों को बाय करने की, मतलब गलती से भी इस स्टॉक में बाय करने की कोशिश नहीं करना है, यानी कि बाय करने की कोशिश करोगे तो आपकी हालत भी ऐसे हो सकता है। दोस्तों, और एक पैरामीटर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जो कि मेन है वो आप देख पा रहे होंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास थे 50%, अब वो सारे माल बेच के अब हो चुके सिर्फ 1.5%। FIS DIS कोई भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक के 21% से अब हो चुके 95%। और कुछ दिन अब जाने दो, ये स्टॉक और थोड़ा सा सस्ते हो जाए 10-11 रुपये तक, जो पब्लिक आपको 94.5% देखने को मिलता है, ये लगभग 98% ईजिली चला जाएगा। और दोस्तों, आप इसकी मैक्सिमम ग्राफ भी देख पा रहे हो, एक टाइम पे ये जो स्टॉक है 3000 का हुआ करता था, अब ये स्टॉक आ चुका है लगभग 10% के आसपास। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको हमेशा ऐसे लगता है कि इस स्टॉक में दोबारा से ये स्टॉक 3000 तक जाएगा। दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल तो है नहीं, तो जिस कंपनी में प्रमोटर ही खुद अपने सारे माल बेच के निकल रही है, फिर कंपनी को बेचने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों को क्यों रहना है, मैं इतने कहना चाहूँगा। या फिर जिनके पास है, जिन्होंने अभी अभी बाइंग किया, उनको लॉसेस हो रहे हैं मतलब 10-11 रुपये पे, तो वो तो होल्ड करें, दोबारा ये 20 रुपये तक आराम से जा सकता है। लेकिन जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को रिस्क लेना नहीं चाहिए। अगर रिस्क लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकता है। अब चलते हैं हम दूसरी स्टॉक के ऊपर। सेम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे GTL में, लगभग 13% से ज़्यादा की गिरावट, और एक मंथ वाले को दोस्तों लगभग 30% के आसपास की गिरावट। अब आते हैं मेन की पॉइंट के ऊपर। इन स्टॉक में आप देख पा रहे हो लगभग 12-13 रुपये से 23-24 रुपये तक एक टॉप बनाए अपर सर्किट में। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है ऑब्वियसली बाइंग करने के लिए आए, या फिर बाय कौन करेगा, रिटेल इन्वेस्टर। तो जैसे बाय किए और सारे के सारे माल एक साथ डंप कर दिए उस स्टॉक में, जितने जो प्रॉफिट मिला यहाँ से ले गए, किनको मिला, ऑपरेटर को, और फंसे कौन, रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप यहाँ से 25% देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अगर टॉप से देखोगे तो 50% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। ये 6 मंथ की डेटा है, और आप इसके मैक्सिमम ग्राफ देख पा रहे होंगे, लगभग मतलब जीरो हो चुका है स्टॉक, 85% डाउन, मतलब एक टाइम पे ये भी स्टॉक 3000 का हुआ करता था, अब जाके ये 11-10-11 रुपये तक आ चुके। तो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है दोबारा से ये
जो 3,000 के लेवल अचीव करे दोस्तों, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे स्टॉक में दोबारा बोलता हूँ, इन स्टॉक पे दोबारा से अपर सर्किट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑपरेटर को पूरी तरह से पता हो चुका है कि ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा हम ऑपरेट कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर ईजी आ जाते हैं फंसने के लिए। सो दोस्तों, इन स्टॉक में भी आप देख पा रहे होंगे GTL लिमिटेड 10 रुपये से ये स्टॉक 30 रुपये तक गए थे, लगभग 2-3 गुना पैसा ऑलरेडी हो चुके थे। ये प्रॉफिट मिला कि इनको ऑपरेटर को और फंसे कौन रिटेल इन्वेस्टर। फिर स्टॉक ने थोड़ी दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक न्यूज़ आए, फिर 100% रिटर्न किनको मिला, ऑपरेटर को, फंसे कौन रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों जब इसकी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे तब मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि ऐसे स्टॉक में फंसना नहीं है, जिनके पास अभी होल्ड करें। तो जब उन्होंने होल्ड किया था, देखिए एक रैली आए, तो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है या फिर मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत उनको जानकारी मिला, वो इस लेवल पे क्विट कर चुके हैं। लेकिन जिनको लालच भरे होते हैं वो तो ऐसे स्टॉक से लगते हैं कि और प्रॉफिट मिलेगा और आपके फिर से दोबारा से ये प्रॉफिट जा चुके हैं। दोस्तों मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा, दोनों स्टॉक में कुछ नहीं है, कभी भी डेली जैसे एक्टिविटी भी हो सकता है और ऐसी चीज़ें बाजार में हो चुके हैं। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हो चाहे GTL लिमिटेड हो, दोनों के दोनों स्टॉक अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ बाय करने की कोशिश ना करें। और जिन्होंने अभी तक इन स्टॉक में फंसे हुए मतलब इस लेवल पे, एकदम मैं 3,000-2,000 के लेवल की बात नहीं करूँ, वो तो आप भूल ही जाओ, वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने 10-11 रुपये पे बाइंग किया या फिर 15 रुपीज़ पे, 20 रुपीज़ पे भी या फिर 30 रुपीज़ पे, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ज़्यादा अमाउंट बाय किया तो आप होल्ड करें। हो सकता है Q4 के रिजल्ट सिलसिला जारी हो जाए, थोड़ा बहुत भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं थोड़ा बहुत भी, तो एक अच्छे मूव देखने को मिल सकता है जो कि इस लेवल पे अचीव कर सकता है। दोस्तों रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और GTL लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक में अगर आपके इस 20-30-25 रुपये की बाइंग है तो आप होल्ड कर सकते हो। इस लेवल आप कुछ दिनों में एक अच्छी एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ भी इन स्टॉक को रैली अच्छी खासी दिखा सकता है। लेकिन जिन्होंने अब तक बाइंग नहीं किया प्लीज़ बाई ना करें, गलती से बाई ना करें। बार बार ऐसे स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते, थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ऑपरेटर इजीली इन स्टॉक में ट्रैप करते और आप लोगों को फंसा जाते। दोस्तों प्लीज़ ऐसे स्टॉक में फंस रहे नहीं है। सो दोस्तों वीडियो इतने, इस वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो आप चाहो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।